नेक्स्ट टॉपिक इज ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, जो हमारा डीसी मशीन होता है उसका ईएमएफ इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो लेट अस सपोज फाई इज द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इन वेबर, पी इज द टोटल नंबर ऑफ पोल्स। सपोज हमारे पास जो मशीन है वो 2 पोल का है, 4 पोल का है, 6 पोल का है, क्योंकि आपको पता है पोल्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, क्योंकि एक नॉर्थ होता है तो उसका साउथ भी होता है, हमेशा 2 पोल एग्जिस्ट करता है। जेड मान लिया आपने जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपने रोटर पे प्लेस किए हैं आर्मेचर पे, ठीक है, आर्मेचर हमने किसको बोला था, जो रोटर पे आपने कंडक्टर्स या वाइंडिंग प्लेस किया था। एन इज़ द स्पीड ऑफ रोटेशन, जो रोटर है वो आपका एन स्पीड से घूम रहा है, उसको हम कहेंगे RPS, मतलब रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने चक्कर वो लगा रहा है, ठीक है। ए इज़ द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, जो रोटर कंडक्टर, जो रोटर होता है आपका, उस पर आप कंडक्टर्स या वाइंडिंग ऐसे प्लेस करते हो ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार कंडक्टर प्लेस किया तो उसके ऊपर भी आपको कंडक्टर प्लेस करना पड़ता है, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। तो जो फर्स्ट लेयर आपने एक बार प्लेस कर दिया पूरे उसके सर्कमफेरेंस पे, उसके ऊपर जो दूसरा लेयर आप ला रहे हो, तो फर्स्ट लेयर दूसरी लेयर के कैसे आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है, ठीक है। तो जेड अपोन ए क्या हो जाएगा, ये जेड तो है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स और ए क्या है, पैरेलल पाथ्स। अगर टोटल कंडक्टर को पैरेलल पाथ से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्टर्स इन सीरीज, यानी वो कंडक्टर जो सीरीज कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक जो कंडक्टर होगा वो एक चक्कर में कितना फ्लक्स कट करेगा, ठीक है, देखो एक पोल से कितना फ्लक्स मिल रहा है, फाई, तो पी पोल से कितना फ्लक्स मिलेगा, पी फाई, तो एक कंडक्टर एक चक्कर में पी फाई फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है। अब हमें जनरेटेड वोल्टेज पर कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में के अक्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट होगा, आपको पता है वोल्टेज कैसे निकलता है, फ्लक्स कटिंग पर सेकंड, यानी फ्लक्स एक सेकंड में कितना कट हो रहा है, तो फ्लक्स कट पर रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी टाइम टेकर फॉर वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर में लगा समय। तो फ्लक्स कटिंग आपने निकाल ली एक कंडक्टर का एक चक्कर में कितना है, पी फाई, और कितने समय में, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, एन, तो एक चक्कर का समय कितना होगा, 1/n, तो n ऊपर चला जाएगा, n p phi वोल्ट, जनरेटेड वोल्टेज इतना आएगा वोल्ट, ठीक है। तो ये तो एक कंडक्टर का एक चक्कर में, एक कंडक्टर का एक चक्कर में इतना वोल्ट जनरेट हो रहा है। अब हमें निकालना है टोटल वोल्टेज जनरेटेड, तो ये कैसे निकलेगा, e इज इक्वल टू इतना इंटू सीरीज में जो भी कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो एन पी फाई अपॉन सीरीज कनेक्टेड कंडक्टर्स, यानी एक कंडक्टर में इतना है तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो कि इतना वोल्टेज इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज, जेड बाई ए, तो इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू एन पी फाई जेड बाई ए, तो वेयर एन इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी मशीन, एन इज द रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। अगर आप इस एन को, अगर इस स्मॉल एन को आप रिवोल्यूशंस पर मिनट में चेंज करते हो, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई 60, वेयर कैपिटल एन इज द रिवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। अब जो आपकी वाइंडिंग होती है डीसी मशीन में, वो दो टाइप का होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग, यानी रोटर पे जो आप वाइंडिंग आप लगाते हो, जो कंडक्टर्स को आप प्लेस करते हो, उनका जो पैटर्न है वो दो टाइप का होता है, एक को हम कहते हैं लैप वाइंडिंग, दूसरे को हम कहते हैं वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जितने पैरेलल पाथ्स होते हैं वो उतने पोल, जितने पोल, अगर 4 पोल की मशीन है तो 4 पैरेलल पाथ्स होंगे, यानी ए इज इक्वल टू पी, लैप वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल टू पी, वेयर ए इज द पैरेलल पाथ्स, पी इज द टोटल नंबर ऑफ पोल्स। इसको याद कैसे रखना है, लैप एल इज ए इज इक्वल टू पी, लैप में ए इज इक्वल टू पी। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ए इज इक्वल टू 2, पैरेलल पाथ्स हमेशा कितने होते हैं वेव वाइंडिंग में, 2। ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प कर सकता है अगर आता है, वैसे न्यूमेरिकल इसके चांस कम है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डीसी मोटर्स। देखो अभी तक हम जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो हमने ओवरऑल देखा है, वो भी हमने डीसी मशीन की बात करी है, कितने टाइप का होता है ना।
अब हमारे जो सिलेबस में है वो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड कंट्रोल, यानी मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो डीसी मोटर है, ठीक है। डीसी मशीन में दोनों आ गया, जनरेटर मोटर, जनरेटर का ज़्यादा पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। ईएमएफ इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट किया है वो भी ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें उस एक्सप्रेशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो डीसी मोटर क्या होता है, मोटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डीसी मोटर क्या होगा, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द डीसी मोटर इज़ वेरी सिमिलर टू डीसी जनरेटर इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं इसका। अब मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, देखो मोटर कोई भी मोटर होता है उसका क्या प्रिंसिपल होता है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है उस कंडक्टर पर, जिसको जिसकी डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, और उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, ठीक है। जिसका जिसका डायरेक्शन हमेशा कैसे गिवन होता है, मैग्नीट्यूड एफ सी इज इक्वल टू बी आई सी एल, वेयर एफ सी इज इक्वल टू फोर्स ऑन कंडक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आई सी इज द करंट थ्रू द कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा हुआ है, लॉरेंज फोर्स एफ इज इक्वल टू आई बी एल, ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी साउथ की तरफ जा रही हैं, या ये बाहर वाला क्या है स्टेटर, और ये बाहर अंदर वाला आपने इनर सर्कल जो लिया है क्या है रोटर। रोटर पे आपने सपोज कंडक्टर प्लेस कर रखा है, लेकिन हमने एक ही कंडक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब जो आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, जो इसमें करंट आप दोगे, या तो वो करंट अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा। तो हमने अज्यूम यहाँ पे भी किया है करंट जो है इसमें अंदर की तरफ है, इनवर्ड करंट है, ठीक है। अब जब इनवर्ड करंट होगा इसमें और ये फील्ड ऐसे है, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखो कैसे डायरेक्शन निकालोगे, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तीनों फिंगर को परपेंडिकुलर रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैसे है, ध्यान से देखिए करंट कैसे है, अंदर की तरफ, ठीक है, करंट अंदर की तरफ है, फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा इस पर, डाउन नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड को इस तरह से आप बना लें, तीनों फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब को परपेंडिकुलर टू ईच अदर हम स्ट्रेच करेंगे, और फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा होता है, फोर फिंगर मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है सबको, फील्ड करंट फोर्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो फोर्स होगा उस कंडक्टर पे इस तरह से लगेगा, तो इस पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे उन पे सब पे फोर्स लगेगा, तो ड्यू टू दिस टेंजेंशियल फोर्स रोटर विल ट्राई टू रोटेट, रोटर घूमने लगेगा, दैट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बैक ईएमएफ मैंने आपको बताया था, जनरेटर में जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो मोटर में क्या होता है, बैक ईएमएफ। जनरेटर में ईएमएफ क्या होता है, जनरेट, और मोटर में क्या होता है, बैक ईएमएफ। अब देखो ये फोर्स लगने से जो भी हमने फोर्स कैलकुलेट किया है, तो आपका रोटर क्या करेगा, घूमेगा। अब रोटर के घूमने से क्या होगा, कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी हैं, तो उनमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, फोर्स लगा वो घूमा, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो होगा, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मोटर के केस में क्या कहलाता है, बैक ईएमएफ, ठीक है। अब उस बैक ईएमएफ का सेम फॉर्मूला होता है जो भी आपने निकाला है, जनरेटेड ईएमएफ ई इज इक्वल टू एन पी फाइव बाई सिक्सटी ए, स्मॉल एन की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कैपिटल एन बाई सिक्सटी। तो दिस इज द जनरेटेड ईएमएफ फॉर जनरेटर, इंडिया इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर जनरेटर एंड द बैक ईएमएफ फॉर मोटर, ठीक है। ये सब आपको पता हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, फ्लक्स पर पोल, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, पैरेलल पाथ्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, एन इज द स्पीड इन RPM, revolutions per minute, ठीक है। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो आपको पता है, मोटर में करंट क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, प्लस माइनस V, ये क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, आर्मेचर, प्लस माइनस बैक EMF। हमेशा जो इंड्यूस्ड EMF होगा, जो बैक EMF होगा, वो अपने कोज का अपोज करेगा, मतलब इस IA का अपोज करेगा, मतलब इस V का अपोज करेगा, क्लियर है सबको। अब इस यहाँ से इससे इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, आप KVL लगा दो, तो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू बैक EMF प्लस आई ए आर ए। तो यहाँ से आप आर्मेचर करंट निकाल सकते हो, आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई अपॉन आर ए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बैक EMF की हम बात कर रहे हैं, अगर बैक EMF नहीं होगा, अगर बैक EMF नहीं होगा, तो वी माइनस ई जो डिफरेंस होगा ये बहुत हाई होगा, आर ए बहुत हमेशा कम होता है, तो आई ए विल बी वेरी हाई। तो ड्यू टू द
ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर में अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो आर्मेचर कंडक्टर्स में क्या होगा, हीट डेवलप होगा, ठीक है, हीट डेवलप होगा तो मतलब आर्मेचर जो कंडक्टर्स होंगे वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, एज मच करंट, तो यानी बैक ईएमएफ क्या कर रहा है, इस करंट को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है एक तरीके से, बैक एज द स्पीड इंक्रीजेज, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एम, फॉर्मूले में देखो स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो ई इंक्रीज करेगा, तो आई ए क्या करेगा, लिमिट करेगा, मतलब स्टार्टिंग में जो हाई करंट होता है उसको बैक ईएमएफ अगर जीरो रहेगा तो वो हाई अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो करेगा। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, सिमिलरली टाइप्स ऑफ डीसी मशीन में हमने पढ़ लिया है, बस आपको डीसी मोटर में करंट के डायरेक्शन अंदर की तरफ, दोनों डायग्राम मैंने वहाँ पे बनवाए थे सेम वही टाइप है, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड सीरीज वाउंड शंट वाउंड कंपाउंड वाउंड, ठीक है। सर्किट मॉडल, अब हम सेपरेटली एक्साइटेड की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस वी सप्लाई वोल्टेज, आर्मेचर करंट यानी सप्लाई करंट आर्मेचर में यही करंट जाएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर प्लस माइनस A1 A2, ये सिंबल होता है A1 A2, मतलब A1 A2 रिप्रेजेंट्स आर्मेचर टर्मिनल्स, F1 F2 रिप्रेजेंट्स फील्ड टर्मिनल्स, ये फील्ड वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस RF है, सप्लाई वोल्टेज VDC है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो IF होगा और ये फ्लक्स बना रहा है फाई, जब ये फ्लक्स इस आर्मेचर के साथ लिंक करेगा तो ये घूमेगा, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। अब आप देखिए जो आर्मेचर में पावर होगा वो कितना होगा किसी भी टाइम, ठीक है, अब जो आर्मेचर में पावर होगा वो कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है E, इसमें करंट कितना आ रहा है IA, तो पावर इन आर्मेचर कितना होगा E into IA, यही पावर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होगा, यानी आर्मेचर में जो पावर होता है वही कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अगर ब्रश ड्रॉप को आप कंसिडर करते हैं तो V इज इक्वल टू E प्लस IARA प्लस VB, इसको कहते हैं VB क्या होता है, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टॉर्क ऑफ अ डीसी मशीन, जो टॉर्क बनता है मोटर में, मोटर हमेशा क्या बनाएगा, एक टॉर्क, तो आर्मेचर में पावर कितना है, PA इज इक्वल टू E into IA, मैंने बता दिया वही पावर है जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल जाएगा। ऑल्सो PA इज इक्वल टू टाओ ओमेगा, PA क्या है यहाँ पर मैकेनिकल पावर, टाओ क्या है टॉर्क, ओमेगा क्या है स्पीड, एंगुलर स्पीड, ठीक है, तो यानी मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, यही पावर इलेक्ट्रिकल पावर ही तो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनको दोनों को बराबर कर दो आप। अब जो ये आपका एक्सप्रेशन है ई का फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे, NP5Z/60A into IA, टाओ इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2πn, वेयर n इज द स्पीड इन RPS, revolutions पर सेकेंड, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, n से n कैंसिल हो गया तो टॉर्क निकल के यहाँ से आता है IA P5Z/2P, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द टॉर्क इक्वेशन, यानी दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो इंड्यूस्ड EMF और बैक EMF, E इज इक्वल टू NP5Z/60A एंड द टॉर्क ऑफ द डीसी मशीन, टाओ इज इक्वल टू IA P5Z/2πa, ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट और सेपरेटली एक्साइटेड, और क्यों लगाया हमने, क्योंकि शंट मोटर का और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है, आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सिर्फ और सिर्फ आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़नी है, लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वही शंट मोटर की होती है, दैट्स वाई मैंने लिखा है शंट इज शंट और सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है, तो एक शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ले लो आप, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का डायग्राम पता है, फील्ड अलग से दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, शंट एक मोटर ले लिया, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट, ये क्या है आपका आर्मेचर, इसमें बैक ईएमएफ कितना है ई, और पैरेलल में क्या लगा दिया फील्ड वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस कितना है RSH, इसमें करंट कितना जा रहा है ISH। अब मैं अगर आपसे पूछूं फील्ड सॉरी सेपरेटली एक्साइटेड और शंट मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम क्यों होता है, क्यों होता है, देखिए जो शंट मोटर होता है, जो पहले सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को लेते हैं, उसका जो फ्लक्स होता है वो हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि आप उसको एक सेपरेट फील्ड वाइंडिंग से प्रोड्यूस कर रहे हो,
और सेपरेट फील्ड वाइंडिंग को आप एक सप्लाई जो दे रहे हो अलग से दे रहे हो VDC, वो हमेशा क्या दे रहे हो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, कांस्टेंट MMF बनेगा, तो कांस्टेंट फ्लक्स बनेगा। सेम ईयर देखो, ये वोल्टेज क्या दे रहे हो आप, हमेशा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है जो आप देते हो, कांस्टेंट होता है। और यही वोल्टेज आप देखो ध्यान से किसके अक्रॉस जा रहा है, फील्ड के अक्रॉस। तो ISH इज इक्वल टू V/RSH, तो V कांस्टेंट है, RSH कांस्टेंट है, तो ISH क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट MMF बनेगा वाइंडिंग में और कांस्टेंट फ्लक्स बनेगा। दैट्स व्हाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर एंड शंट मोटर विल बी सेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। N लिखा है ना, तो N क्या होता है, स्पीड इन RPM, कैपिटल N लिखा है ना, वर्सेस आर्मेचर करंट। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो पहले इक्वेशन देखो, V इज इक्वल टू E प्लस IaRa होता है। यहाँ से E निकाल लो, E इज इक्वल टू V माइनस IaRa, ठीक है, लिख लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है फॉर्मूला E इज इक्वल टू NP5Z/60A, वहाँ से देख लो E प्रोपोर्शनल टू N5, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट। यहाँ से N निकाल लो, प्रोपोर्शनल टू E/5, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो इन शंट मोटर ISH इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ये मैंने बता दिया आपको, V/RSH। V क्या है, सप्लाई वोल्टेज, सपोज 12 वोल्ट से आप सप्लाई दे रहे हो तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है सप्लाई वोल्टेज। RSH क्या है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये भी फिक्स्ड है, तो ISH क्या है, कांस्टेंट। और जो करंट वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है ISH, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो यानी हम कह सकते हैं N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, क्योंकि फाई भी कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यानी देयरफॉर E प्रोपोर्शनल टू N। आर्मेचर रिएक्शन नेगलेक्टेड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए आप, आर्मेचर रिएक्शन को हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स होता है, फील्ड फ्लक्स जो होता है उसको अफेक्ट करता है आर्मेचर रिएक्शन, लेकिन हम यहाँ पे उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर E प्रोपोर्शनल टू N, तो N प्रोपोर्शनल टू E, एक ही तो बात है, तो N प्रोपोर्शनल टू V माइनस IaRa, इक्वेशन नंबर 1। तो ये किस चीज का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, एज द IA इंक्रीजेज N डिक्रीजेज, क्योंकि IA बढ़ेगा तो ये चीज बढ़ेगा, तो ये डिफरेंस क्या होगा, घटेगा, तो N घटेगा, ठीक है। यानी N IA, एज द IA इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीजेज, तो दिस इज द स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। दूसरा क्या लेना है आपको, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। आपने फॉर्मूला देखिए, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई IA, फॉर्मूला देखिए आप, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA, ठीक है। अब फाई आपने क्या निकाला, शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में, कांस्टेंट। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इज कांस्टेंट, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA, मतलब क्या होता है, ये किसका ना, इस इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो यानी एक पास स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, आर्मेचर रिएक्शन को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो एज द IA की करंट जैसे जैसे बढ़ेगी, तो फ्लक्स, ये जो टॉर्क है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो ये है TG, ग्रोस टॉर्क और टोटल टॉर्क। अब इस टॉर्क में से कौन कौन सा टॉर्क घटेगा, एक तो फ्रिक्शनल टॉर्क घटेगा, क्योंकि मोटर अगर रोटेट करेगा तो उसको कुछ फ्रिक्शन भी मिलेगा शाफ्ट पे। और एक होता है विंडेज टॉर्क। विंडेज टॉर्क क्या होता है, यानी जो विंड होता है, हवा होता है, विंड, उसका जब कोई चीज किसी विंड एयर में घूमता है, तो एयर भी उस पर क्या है, अपोजिट फोर्स लगाता है, तो दैट इज द विंडेज टॉर्क। तो यानी नेट टॉर्क जो होगा टोटल में से माइनस TF प्लस TW, TF फ्रिक्शनल टॉर्क, विंडेज टॉर्क। तीसरा आता है आपका, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है टॉर्क वर्सेस स्पीड। टॉर्क वर्सेस स्पीड को कैसे निकालोगे, देखो जो बेसिक दोनों के रिजल्ट से निकालना है, टॉर्क वर्सेस स्पीड, ठीक है। आपने देखा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, तो IA की जगह आप क्या लिख सकते हो, टॉर्क IA देखो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA और IA इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, तो ये टॉर्क यहां पे आ जाएगा। तो एज द स्पीड इंक्रीजेस, एज द स्पीड इंक्रीजेस, अब टॉर्क और स्पीड में निकालना है ना आपको, देखो ये रहा, एज द स्पीड इंक्रीजेस, तो उस एक्सप्रेशन में आप देखिए स्पीड बढ़ाना है आपको, मतलब टॉर्क को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा, क्योंकि वी तो क्या है, कॉन्स्टेंट। एज द स्पीड इंक्रीजेस टॉर्क डिक्रीजेस, दोनों तभी इक्वेशन वो बैलेंस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका
स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो पहले इसका बेसिक फंडामेंटल समझिए आप। देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू एन पी फाई जेड बाई 60A, ठीक है। वहां पर N और फाई को छोड़कर, उन सब को छोड़कर बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया E इज इक्वल टू के एन फाई, वेयर K इज द कांस्टेंट, या आप लिख सकते हो E इज प्रोपोर्शनल टू एन फाई। यहां से N निकाल लो आप, N इज इक्वल टू E बाई के फाई, ठीक है। N इज इक्वल टू E की वैल्यू रख दो, V माइनस आई ए आर ए, ऊपर से देख लेना वैल्यू कैसे आए, ठीक है। अभी हम बार बार इसको निकाल रहे हैं, V माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई। अब आपको इसको स्पीड को चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, या तो V को चेंज कर दो, या इस वाले फैक्टर को चेंज कर दो, या इस वाले फैक्टर को चेंज कर दो। यानी अगर आप ऊपर वाले फैक्टर को चेंज करते हो तो स्पीड चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले फैक्टर को अगर, यानी न्यूमरेटर को आप चेंज करते हो, तो इसका नाम बनेगा आर्मेचर कंट्रोल, क्योंकि आर्मेचर के अक्रॉस जा रही है चीज। अब इसमें भी दो टाइप होता है, या तो V को बदलो या IARA को बदलो। तो V को बदलेंगे तो इसको बोलेंगे हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, अगर आप इस वाले फैक्टर को बदलोगे तो इसको बोलेंगे आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, यानी आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस है उसको हम अगर कंट्रोल कर लें। और इसमें ये जो चीज़ है फाई, फाई को बदलने से भी N बदल जाएगा। तो फाई को कैसे बदलोगे आप, इसको बोलेंगे आप फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। तो देर आर थ्री मेथड्स, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अब इन तीनों मेथड को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।